बेटे को इतो अखवा कितने सियाल मेरे जाल तो। 22 तारीख ही डावा महीना ही 8:30 बजे रात दे। मेरा बेटा आंदा पे मेरा भतीजा नदीम हुसैन मोहम्मद जुल करनैन ये असद अब्बास मेरा बेटा आंदा पे। उतो फिर नजदीक आए तो उन्होंने गन पॉइंट से ना मेरे बेटे को अगवा किते, अगवा करते कारे सटे, कारे सटते उन्हें एक वाजिद आई एक आशिक हुसैन आई दो नामालूम हैं। वो इतों चाह से अब्बास चौक वाली साइड पे गए। इन्ह मेरे को आर साहब भतीजे भी थे इन्हें भी जो ही मैं थोड़े बेटे को अगवा कर गए। असा तलाश शुरू की थी पिछु लगे रह गए हैं लभेंदे करेंदे तक। उन्हें बाद उन्होंने जो ना उत्था चाह के जला जीम मानते उन्होंने मेरे पुत्र से जुल्म किते उन्होंने मारे नाल तक कुछ काफी सारे बेवी बंदे हैं जिन्होंने मारे जुल्म किते ने उन्हें मुंह च नफ्स दिते ने उन्हें वड्डे पेशाब की जगह अंदर लक्कड़ वड़ाई ने जितों उन्हें अंदर जख्म थी गए कट थी गए उतों ब्लीडिंग चल पी उन्हें खून चलता रह गए। 2.5 घंटे तक वो मरे रह गए। अखीर उन्होंने सबको फोन करवाया जो असा थोड़े बेटे दे और बदला गिन गए जो भी अपने बेटे को आते गिन वजो सारे चुकर वाल गिन मेरा भतीजा भी मेरे बाकी भी मेरा दामाद आई ये भी त्रै बंदे चुकर गिन वो आज को गिन था। इतना जेड़े हैं 7:45 बजे अनपुजन सवेले 23 तरीक को घर जो असा उनकी हालत रखी है हालत इतनी बुरी है जो सारे को बर्दाश्त नहीं किया असा बिल्कुल बेहोश थी गया से सारे घर। उसके बाद एफआईआर कराई बड़ा जुल्म किया सारे बच्चे ना सबको बर्दाश्त नहीं किया इतना जुल्म किया ने SHO ने सबको एफआईआर दी है। उन्हें बाद एफआईआर के बाद नक्शा मगरू बनाया अस्पताल का करेंगे त्रै जड़े साकू होने बाद कोई सारा मुलजम नहीं पकड़िया ना सारे नाल कोई तावण कितने पुलिस रहे मुलजमान नाल मिल गई है उन्होंने को पैसे की नहीं कड़े वो बिल्कुल पैसा कोई कड़े सारे नेड़े नहीं लगे पुलिस वाले ना सारे गवाह वाले बयान की दिन ना मेरे बेटे के बयान की दिन मैं मुदई हाँ ना मेरे बयान की दिन वो भारी रकम गिनते साकू हथ को मतलब आ दिन भी ना सुला करो इतना मतलब करें दिन अज 22 जाड़े बाद SHO आए उन्हें आते मौका दिते जो वकूआ थे यार 22 तरीक था उन्हें रात आते वकूआ रिठे यारा को ते उन्हें मौका दे तो तुझे मौके दे जड़े सारे बयान दिते ने बयान अलती ना लगी उन वो याद मैं दिते ते हाल तक सारा मौका पहली दफा है ते उन्होंने मतलब आंजे यारा यारा को आंजे रात उन्हें मौका दिते आते SHO ने आज मैं बयान अलती भी देते जो मौके दे बयान दिते साकू जेड़े बंदे मौके ध्यान उन्होंने आके वकूआ सच्चा है। लिहाजा मैं वजीर आला को अपील करना वजीर आजम को अपील करना IG पुलिस को अपील करना DPO RPO सबको अपील करना मेरा मसला है मेरा हल किया वे मेरे उत्ते जुल्म थी ना पे पुलिस बिल्कुल उन्होंने बेगुनाह करने से खड़ी है और साकू धमकिया देने खड़े असा बेगुनाह थी तू साकू निबर सू थोड़े उत्ते कई केस असा पावने असा थोड़े खिलाफ फोन भी दी खड़े हैं साइबर क्राइम ब्रांच FIA ये वो ये भी साकू धमकिया आने दिन असा तो आपको तबाह बर्बाद कर रहे थे तो जीवन है तो मेरा साला भी आया आशिक हुसैन का भाई इकबाल हुसैन वो धमकिया नहीं रखड़े वो बार बार साकू धमकिया नहीं रखड़े साकू मजीद खतरा है जो सारे पता नहीं क्या करना चाहते
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲਾਹੌਰ ਬੱਚਾ ਸਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੇਟ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।